नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम को वेस्टइंडीज दौरे के बाद आयरलैंड का दौरा करना है, वहां पर वो 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि इस दौरे के लिए हार्दिक पांड्या को आराम दिया जा सकता है, शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है, वहीं संजू सैमसन को मुख्य विकेट कीपर के रूप में जगह मिल सकती है। हालांकि ये खबर अभी केवल सूत्रों के हवाले से आई है। BCCI के अधिकारी ने एक मीडिया चैनल से को इंटरव्यू में कहा कि देखिए, अभी तक ये सारी बातें चल रही है, वेस्टइंडीज दौरे के बाद हम इस बात को देखेंगे कि हार्दिक पांड्या की बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि वनडे और T20 सीरीज खेलेंगे। और उन्होंने कहा कि देखिए, हार्दिक पांड्या को भी फ्रेश होने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैवल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब आप दौरे करते हैं। और उसके बाद हार्दिक पांडे इस दौरे के बाद, वेस्टइंडीज दौरे के बाद कैसा फील करते हैं, इसके बाद ही सारे फैसले लिए जाएंगे। इसके अलावा शुभमन गिल को भी रेस्ट देने की बात हो रही है, क्योंकि IPL के बाद से भी वो भी लगातार खेल रहे हैं। वहीं जैसा कि आपको बताया कि संजू सैमसन को मुख्य विकेटकीपर के रूप में खिलाने के बारे में बातचीत हो रही है। इसका मतलब ये है कि ईशान किशन टीम में होंगे तो सही, प्लेइंग 11 में शामिल तो हो सकते हैं, लेकिन जो विकेट कीपिंग करेंगे वो संजू सैमसन करेंगे और जो ईशान किशन है वो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि राहुल द्रविड़ आयरलैंड दौरे पर नहीं जाएंगे, उनकी जगह VVS लक्ष्मण टीम की कोचिंग करेंगे। इससे पहले भी VVS लक्ष्मण कोचिंग कर चुके हैं, जब जब राहुल द्रविड़ ने रेस्ट लिया है VVS लक्ष्मण ही टीम इंडिया के कोच बनकर दौरों पर गए हैं। तो ईशान किशन के लिए क्या कहेंगे, संजू सैमसन के बारे में क्या कहेंगे, और क्या हार्दिक पांड्या को एशिया कप से पहले रेस्ट देना ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।